वोट दे दिया नुपुर शर्मा, लेट दिस ओपन, नुपुर शर्मा आपने तर्क सुने कांग्रेस प्रवक्ता के? देखिए सुमित जी, नमस्कार सभी को, बहुत धन्यवाद अभी जी, आपने इस लायक तो समझा गया, आपने हमारे को शुभकामनाएं दी, वरना आप तो मॉरल विक्ट्री को लेकर उछल रहे थे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी सुमित जी, बहुत शर्मनाक है कि आज अभय जी का तर्क ये है कि देश की जनता ने, इन चार राज्यों की जनता ने, और मैं तो कहूंगी पंजाब समेत, पंजाब को चलो इनका सरकार थी क्यों नहीं बचा पाए, इसका जवाब ये देंगे भाजपा तो उसमें रेस में थी नहीं, लेकिन जो चार राज्य में हम जीते हैं और खासकर उत्तर प्रदेश में, अभय दुबे जी कहना चाह रहे हैं कि राज्यों की जनता ने अर्थव्यवस्था, रोजगार और कानून व्यवस्था, इन सारे महत्वपूर्ण मुद्दों के खिलाफ जाके वोट किया है। अगर आप कल से नोटिस कर रहे हैं, कांग्रेस की जो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सुमित जी क्या बोला सुरजेवाला जी ने, इमोशंस में भाग गए, इमोशंस जीत गए, तर्क नहीं जीते। आप क्या जनता जनार्दन की सूझबूझ को, समझदारी को, हमारे देश के मतदाताओं को या तो आप दिमागी हाल से कमजोर समझते हैं, या समझते हैं कि वो अपना डिसीजन नहीं बना सकते? क्योंकि बहुत आसान होता है, जब ईवीएम हैक हो गया, ये वाला पैतरा नहीं चलता सुमित जी, तो ये पैतरा चलता है कि जनता ने ढंग से वोट नहीं दिया, अदरवाइज ये अपने आप को मॉरली विक्टोरियस कैसे बताएंगे? आज ये जो तर्क दे रहे हैं कि भैया महिलाओं के लिए हमने ये किया, सुमित जी थैंक यू फॉर करेक्टिंग हिम, एनसीआरबी का डेटा तो यही बताता है कि आज की तारीख में महिला विरोधी अपराध सबसे ज्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं, राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है। आपने हाथरस गिना दिया, आपने लखीमपुर खीरी गिना दिया, आपने ये तो नहीं गिनाया कि पिछले वर्ष ही 2021 अप्रैल के अंदर बकायदा राजस्थान असेंबली में आपके मुख्यमंत्री गहलोत साहब कह रहे थे कि दलित बहनें फर्जी बलात्कार के केस दर्ज करती हैं। आपने ये तो नहीं बताया कि अगर एक बिटिया के साथ दुष्कर्म हो जाता है तो आपके नेतागण और आपके विधायक बकायदा सार्वजनिक रूप में आके ये कहते हैं कि लड़की का कैरेक्टर ढीला था, वो कहीं प्रेम प्रसंग में लगी हुई थी, 15-16 साल की बच्चे का कैरेक्टर असैसिनेट कर देते हैं, उसमें आपको शर्म नहीं आती? जब वहां पे रेप पीड़ित महिला अपने आप को बकायदा थाने के सामने जिंदा जला देती है, चुरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर थाने के अंदर इस बेरहमी सी दलित बहन के साथ रेप किया जाता है पुलिस कर्मी द्वारा कि उसके नखून तक खींच दिए जाते हैं, तब तो आपके गांधी सिबलिंग्स पिकनिक जाते हुए नजर नहीं आते, हंस के खिलखिलाते गाड़ी के अंदर? बहुत आसान होता है, लेकिन देश की जनता समझ गई और आंकड़े सच बोलते हैं। ऐसा क्यों है महिलाओं ने बढ़ चढ़ के सुमित जी भाजपा पे विश्वास जताया है? आप मोदी जी के ऊपर जो अपार प्यार और भरोसा और दुलार और आशीर्वाद है मतदाताओं का, खासकर बहनों बेटियों का, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आप डायरेक्टली फिर मतदाताओं को चैलेंज। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।